अगर मुंबई शहर की टेलीफोन डायरेक्टरी खोली जाए तो आपको 59,40,369 राहुल मिलेंगे, लेकिन सोनू निगम को, अरे नहीं, टेलीफोन निगम को पता नहीं कि 2 साल पहले एक और राहुल इस शहर में आया था और आज वही राहुल अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहा है। क्या हुआ? फीट आगे? नहीं जी, 1500 स्क्वायर फीट से अपने फीट भी आगे। वजह पता कौन? राहुल का अपना फ्रेंड फिलोसफर गार्ड करण उर्फ करू पांडे। अबे धक्का क्यों मार रहा है? जरा इज्जत से समझा ना, मालूम है तेरा भाड़ा बाकी है। दोनों की मुलाकात फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में हुई थी, जहाँ से दोनों फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए। कारण करण अपने समर कलेक्शन को नेकेड ट्रूथ का नाम देकर सभी मॉडल्स को चड्डी में रैंप पे भेज दिया। इस कॉलेज से तुम दोनों को निकाला जाता है। ओके मैम, प्लीज मैम। मैडम वो बाकी की फीस रिफंड। गेट आउट। तू तो बोला नया घर भाड़े पे लेंगे, ये तो अपने ही बिल्डिंग है। हाँ, पहले हम आगे से जाते थे, अब हम पीछे से चढ़ेंगे। एक कमाल का टैलेंटेड डिजाइनर होने के बावजूद राहुल आज तक तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया। हाँ, लेकिन जहां तक चढ़ने का सवाल है, करण सबके ऊपर। साला कहने के सब सामान को कफन उड़ा के रख दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है यार, हम उसी घर में वापस आ गए। और इस बार भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा। तो पहले कब देते थे? नौकरी के मामले में दोनों बड़े लकी हैं। अरे भाई, जवान लड़कों को अगर जवान लड़कियों को कपड़े पहनाने का काम मिले तो कम तनख्वाह की शिकायत कौन करेगा भाई है? और वैसे भी दोनों की जिंदगी कैश से नहीं, क्रेडिट कार्ड से भी नहीं, क्रेडिट पे चलती है। तेले पे तुम लोगों को 2 कौली का बल होता नहीं है। इतनी तकल देख के मैं तुम लोगों को दे लाऊं दोनों तू तू सूट सूट। पहली बार मैं भी कुछ और ही समझा था यार। हाँ हाँ, लौटा देंगे तेरा सूट। वही तो बोला।